हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है। तो प्रीवियस 10 ईयर्स का पीडीएफ ग्रुप में अपलोडेड है और आज उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस चांसेस हैं आने का या फिर जो इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप क्वेश्चन है, जैसे जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो पहला क्वेश्चन 2019 का हम अभी जो भी डिस्कस करने वाले हैं, अभी 2019 से 19 में जो आया हुआ है जितना क्वेश्चंस इस चैप्टर से, तो सबसे पहले पूछा है, हम प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि डेफिनेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है वो सारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 में आ चुका है कि जो पूछा है, नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करेंट। तो नेमिंग हम लोग कर सकते हैं, नेम और डिफाइन करना है एसआई यूनिट को, तो डेफिनेशन हम लोग याद है ना, हम लोग कैसे 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं, करेंट क्या होता है, करेंट का एसआई यूनिट 1 एम्पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करेंट, तो करेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, 1 एम्पेयर से। और करेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, हमको करंट को डिफाइन करना है, करंट का ऐसा यूनिट हम लोग लिख लेंगे 1 एम्पेयर। और करंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम्ब। तो ये जितना भी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब कर लेना है, इसमें कोई भी छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द हीटिंग, व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। हम लोग प्योर मेटल के जगह पे एलॉय को क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि हम लोग एलॉय को ही यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग एलॉय को क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है एलॉय को यूज़ करने का, हाई रेजिस्टिविटी, सही है, हाई रेजिस्टिविटी होता है एलॉय का। दूसरा होता है कि वो एलॉय हम लोग ऐसा बनाते हैं जो ज़्यादा कोअर्सिव ना हो, जो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, जो भी मेरा एटमोसफेयर उससे ज़्यादा रिएक्ट ना करे। कॉयल हम वैसा ही ना बनाएंगे, हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि हम कोई भी एलॉय बना दिए ये बहुत ज़्यादा जल्द तुरंत रिएक्ट हो जाए, ऐसा हम नहीं ना चाहेंगे। तो दूसरा क्या होगा, इट इज़ लेस रिएक्टिव, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ड्यू टू इट्स हाई रिएक्ट, क्या वो रेजिस्टिविटी, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी इट हैज़ हाई हीटिंग पावर, जो भी मेरा हीटिंग पावर होगा हाई होगा। और पहला मेरा क्या था, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रो। दूसरा क्या था, लो कोअर्सिविटी या फिर लो रिएक्टिव। तीसरा क्या हो सकता है कि हम इसको ऐसा बनाएंगे कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो, क्योंकि अगर हम लो मेल्टिंग पॉइंट का अगर बनाते हैं तो क्या होगा, मेरा तुरंत मेल्ट कर जाएगा वायर, हम नहीं ना चाहेंगे कि तुरंत मेल्ट कर जाए, हीट करने पे हीटिंग एलिमेंट है, तो हम टेम्परेचर क्या चाहेंगे, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 लिखना है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ, नोट करते चलो, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस छूट गया था, जैसे पावर का, पावर से रिलेटेड जो इतना भी क्वेश्चंस था वो छूटा था, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड छूटा था, और जो प्रैक्टिकल हम लोग जो एप्लीकेशन करते थे, जैसे एक यूनिट का मेरा अगर मान लो 1.5 रुपीज़ ये है रेटिंग है, तो अगर एक महीना में मेरा कितना बिल आएगा, तो उस तरह का क्वेश्चन छूटा हुआ था लास्ट क्लास में, तो वो किया जाएगा। इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन जो दिल्ली में आ चुका, मतलब दिल्ली का क्वेश्चन है जो आता है ना सीबीएसई दिल्ली का, उसका एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो तुम लोग अच्छा नोट करना, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जो पीडीएफ में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम, सुटेबल सर्किट डायग्राम से हमको प्रूव करना है दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ रजिस्टर जॉइन इन पैरेलल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। मतलब कि हमको पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कि 1 बाई मेरा आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इस तरह से हमको प्रूफ करना है, ये प्रैक्टिकली हमको प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे,
हमको सर्किट डायग्राम बनाना है, उसको प्रूफ करना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में जैसे इसका थिकनेस इतना है, लेंथ इतना है, कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम अगर प्रूफ करने पूछा तो हम किस तरह से प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया हम क्या पूछना चाह रहे हैं। हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो हमको अगर प्रूफ करना है तो हम किस तरह से करेंगे, एक सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम नहीं बनाएंगे, तीन पैरेलल रेजिस्टेंस को इस तरह से, ये वाला कब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जब हमको प्रूफ करना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर नॉट गिवन। जैसे इसमें कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम सबसे पहला एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जिसमें मेरा पोटेंशियल वी रहेगा जो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है ना जी। उसके बाद मेरा ये आर वन है, आर टू, आर थ्री। अब हमको पता करना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमको प्रूव करना है कि बस ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखो करंट मेरा जो फ्लो करेगा कुछ कांस्टेंट होगा, करंट मेरा अगर कुछ फ्लो कर रहा है इस सर्किट में तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। मान लेते इस करंट को आई, क्लियर, इस करंट को हम आई मान रहे हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करंट जाएगा तो करंट डिवाइड नहीं होगा, तीनों सर्किट में, तीनों ब्रांच में डिवाइड होगा। तो मान लो इस ब्रांच में अगर जाता है आई वन, इस ब्रांच में जाता है आई टू, इस ब्रांच में कितना जाता है आई थ्री, ठीक है। तो इस ब्रांच में गया आई वन, मतलब कि इसके अक्रॉस गया आई वन, इसके अक्रॉस गया आई टू, इसके अक्रॉस गया आई थ्री। अब देखो आई ही मेरा आई वन, आई टू, आई थ्री है ना, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तीन मेरा करंट टूटा है तो तीनों करंट इस तरह से फॉलो करेगा। अब देखो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई आर इक्विवेलेंट, यही ना होता है टोटल इक्विवेलेंट जो मेरा रेजिस्टेंस होता है। अगर इस सर्किट को हम इस तरह से बनाएं, आर इक्विवेलेंट और वी मेरा इस तरह से, तो इक्विवेलेंट का मतलब यही ना होता है कि अगर सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा दें इसको रिप्लेस करके तो मेरा करंट सेम रहे, तो मेरा आर इक्विवेलेंट वी बाई आर इक्विवेलेंट यही ना होगा। वी बाई आई वन किधर जा रहा है, आर वन के अक्रॉस जा रहा है, तो ओम्स लॉ से वी बाई आई वन, सॉरी वी बाई आर वन, हाँ ठीक है, प्लस क्योंकि मेरा पैरेलल में तीनों के अक्रॉस वी सेम रहता है, ठीक है, तो वी बाई आर वन प्लस इसके अक्रॉस मेरा वी क्या है, वी ही रहेगा क्योंकि वी पैरेलल में सेम रहता है, वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो तुमको दिख रहा होगा ऊपर में सब में वी है, वी अगर हम काट दें तो क्या होगा, वन बाई आर इक्विवेलेंट वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये आ गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो कर सकते हो। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया, देखो मेरा आई जो जा रहा है करंट, आई करंट जा रहा है, आई मेरा कैसा करंट होगा, अगर हम इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हटा के अगर एक ऐसा एक मतलब रेजिस्टेंस लगा, इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो करंट पास करेगा वही वाला करंट ये वाला होगा ना, इतना तो समझ में आ रहा है। अब ये मेरा करंट जाएगा तो तीन ब्रांच में जा रहा है, तो तीन ब्रांच में अलग अलग टूटेगा ना, करंट तीनों में अलग अलग होता है। अब मान लो इसमें आई वन गया, इसमें आई टू गया, इसमें आई थ्री गया, तब अब तो हमको ये पता है कि I इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होता है, इतना तो पता है क्योंकि मेरा किसी भी एक जंक्शन पे, इसको हम लोग जंक्शन कहते हैं, क्लास 12 में तुम लोग पढ़ोगे, किसी भी एक जंक्शन के अक्रॉस मेरा करंट का जो सम होता है ना वो ज़ीरो होता है। अगर इन साइड जो करंट जा रहा है ये आई है तो इस जंक्शन पे जीरो होना है, तो मतलब जंक्शन पे जीरो यानी करंट का कंजर्वेशन होना चाहिए, करंट का कंजर्वेशन मतलब जितना करंट जा रहा है ना उतना ही करंट हर जगह टूटेगा, इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ करंट, ये आगे पढ़ना है, ठीक है, उसको हम सिंप्लीफाई करके तुम लोगों को समझाएं। ये जितना मेरा आई जाएगा तीनों में टूटेगा ना, तो तीनों का सम करेंगे तो ये आई के बराबर हो जाएगा, यही चीज़ है, ठीक है। तो अब आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। अब आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, वी बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई वन को हम लोग क्या लिखेंगे, आई वन को इसके अक्रॉस जो वी है वी बाई आर वन लिख सकते हैं, सिमिलरली वी बाई आर टू वी बाई आर थ्री। अब देखो वी 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 सब में ऊपर में है सेम, सारे को हटा देंगे हम, सारे को कैंसिल कर देंगे काट के,
तो मेरा क्या बचा, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये तीन रेजिस्टेंस के लिए था। इसमें हम और भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ये समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट था, अगर तुमको कुछ भी ना दे, एरिया ना दे ना लेंथ दे, तो इस केस में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2018 का। अब थोड़ा सा तुम लोग नीचे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, स्क्रॉल करके क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। बाकी क्वेश्चन तुम लोग को करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्वेश्चन दिखा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ गया ना, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो डेफिनेशन किसी भी टर्म का नहीं छोड़ना है। देखो अगर तुम लोग डेफिनेशन याद कर लेते हो ना, तो इससे बेनिफिट क्या रहेगा ना, तुमको लगेगा कि चैप्टर तुम्हारा ओवरऑल पूरा सर्कमफेरेंस, डेफिनेशन मतलब सर्कमफेरेंस, एक तरह से सर्कमफेरेंस तुम लोग कंप्लीट कर लिया, उसके आसपास अगर जो भी क्वेश्चन छोटा मोटा रहेगा वो तो कवर हो ही जाएगा फिर। इसलिए डेफिनेशन से रिलेटेड जितना भी बन रहा है क्वेश्चन कर लेना चैप्टर में। क्या पूछा है, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, नहीं पता, हाँ वही लिखना है। तो उसको देखो हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस अक्रॉस एनी गिवन कंडक्टर, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस अक्रॉस एनी गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, कि अपना लैंग्वेज में सारा को लिखना है। हीटिंग प्रोड्यूस्ड अक्रॉस दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, एंड हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच इट इज करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। समझ में आया, हीटिंग यही है जूल्स लॉ, मतलब हीटिंग इफेक्ट को ही हमको अपने लैंग्वेज में लिखना है। देखो एक चीज़ समझ लो, एग्जाम में कभी भी हीटिंग से रिलेटेड तुमसे कोई और लॉ पूछेगा, अगर हीट हम लोग करंट चैप्टर में कुछ और चीज़ पढ़े हीटिंग से रिलेटेड, नहीं ना पढ़े हैं, तो अगर इस तरह से कुछ आए ना, ना समझ में आए कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो तुमको वही चीज़ लिखना है जो चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये होता है, थोड़ा सा ट्रिक होता है कि तुमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हीटिंग हीट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस एनी गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यही ना होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। हम लोग देखो, इफ सम हीट मेरा प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, हीट प्रोपोर्शनल है आर के और टी के, तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हीट प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी, लिख सकते हैं ना। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कुछ कांस्टेंट आएगा के आई स्क्वायर आर टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कुछ कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा जा चुका है कि ये कांस्टेंट का वैल्यू मेरा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखा जा चुका है, ठीक है। तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो गया, तो हीटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसके बाद तो सब सेम है। यहाँ मतलब कि जानने वाला बात था कि अगर डेफिनेशन वाला टाइप का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, और कोई टर्म ना समझ में आए, जूल्स लॉ नहीं देखा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं ना, वही पूछ रहा होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जाके एकदम नहीं हो जाना है, शॉक नहीं हो जाना है कि ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बुक से ही आएगा सारा चीज़। देखो उसका 9 का बी वाला पार्ट दिख रहा है, न्यूमेरिकल है, क्या है, 2 lamps 1 rated 100W to 20V, और दूसरा क्या है, 60W to 20V आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय बोथ बल्ब। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, बनाना है, बनाओ बनाओ बनाओ। टू लैंप रेटेड 100W,
आया किसी का? क्या आई वन का वैल्यू क्या निकाल लियो? फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब, ये दोनों बल्ब जो कितना करंट ड्रॉ करें हमको वो निकालना है। तो आया कितना आया? 0.7 72 10 डिवाइडेड बाय 22। कौन सा करंट आया तुम्हारा, I1 I2? ये निकालना क्या था, I1 I2 निकालना था ना क्वेश्चन। देखो कितना आया तुम्हारा बताओ, 0.72। एक मिनट, 16 डिवाइडेड बाय 22 करते हैं, रुक जाओ। सही है। 8 by 11 एकदम सही है। दूसरा आएगा 3 by 11, है ना? कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ही कर दी डेसिमल वगैरह, हाँ वो गलती से भी नहीं करना है। देखो इधर देखो, मेरा हमको I1 I2 निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहे ना, तो डायग्राम बना के फिक्स कर लो कि हमको निकालना क्या है, ठीक है? बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। I1 I2 निकालना है मेरा इसके अक्रॉस, पहले तो इसका पावर रेटिंग दिया, इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है? ये तो हम बताए थे ना शुरू में ही, ये बल्ब का पावर रेटिंग से हम क्या समझते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कुछ फिक्स होगा, इसका अलग रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाले, P = V² / R से। तो मेरा R1 आया 22 × 22, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मेरा R1 इतना ही आएगा। R2 मेरा कितना आया, V² / R किए, तो मेरा R2 आ गया मेरा 22 × 220/6। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे अभी। अब हमको I1 I2 निकालना है, तो I1 मेरा क्या हो जाएगा, पावर तो मेरा 220 वोल्ट है ना, पावर 220 वोल्ट है। अब पावर सॉरी वोल्टेज मेरा 220 वोल्ट है, तो V = IR, हमको I निकालना है, तो I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V इसका एक्रॉस 220 वोल्ट है, R मेरा गिवन हो गया R2 मेरा क्या है, R2 का वैल्यू पुट किए तो मेरा 220 डिवाइडेड बाई 22, इस तरह से कैलकुलेट किए तो मेरा आया 6/22। और सिमिलरली I1 भी हम इसी तरह से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन पे आए, फाइव बाई इलेवन सही है, एकदम सही है। देखो कटेगा तो आएगा ना, 5/11 आएगा और ये 3/11, इजी क्वेश्चन था, ठीक है? आया तुम्हारा नहीं आया पता, हो जाएगा इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टेन देखो, ये था क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मेरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मेरा किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है, हाँ लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, हाँ प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन बेसिकली डिपेंड करता है एल और ए पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन शेप ऑफ अ वायर डिपेंड था। तो इसका क्या आंसर होता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ ए गिवन वायर एट पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है?
जैसे मान लो कोई किसी पर्टिकुलर लेंथ का है और पर्टिकुलर एरिया का है, ये एक गिवन टेम्परेचर पे फिक्स रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये कर लेना है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम क्यों पूछे हैं, बी वाला पार्ट देखो, व्हाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज नॉट, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा ना जी, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, हो जाएगा ये क्वेश्चन, अभी डिस्कस किए थे एलॉय क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। तो एक चीज़ ध्यान देना है, सर्किट डायग्राम बनाना हमको आना चाहिए, सर्किट डायग्राम हमको बनाना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, क्या है क्वेश्चन, यू हैव फॉलोइंग मटेरियल, एमीटर 0 से 1 एम्पेयर, ये दिख रहा है 0 to 1 एम्पेयर, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में यू आर गिवन एन मटेरियल, एमीटर का जो वैल्यू है 0 to 1 है ना, एन एमीटर, एमीटर का इस तरह से वैल्यू होगा 0 to 1 दिख रहा है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि एमीटर का जो मेरा रेंज होगा, जितना वैल्यू शो करेगा करंट का, एमीटर मेरा 0 to 1 एम्पेयर तक ही मेरा रेंज शो करेगा, अगर 1 एम्पेयर से ज़्यादा करंट होता है तो नहीं शो करेगा, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, वोल्ट मीटर 0 to 3, वोल्ट मीटर 0 to 3, ये समझ में आ जा रहा होगा क्या है, ठीक है। रजिस्टर 20 ओम, रजिस्टर का वैल्यू 20 ओम, एक की रियोस्टेट बैटरी, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर सर्किट डायग्राम बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको यहाँ बताना था कि रियोस्टेट को हम लोग कैसे कन्वर्ट कनेक्ट करते हैं। रियोस्टेट जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ है ना कि, और क्या क्या है रियोस्टेट, और क्या है बैटरी एंड 7 कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी, ठीक है। इस तरह से है, मान लो वायर का नहीं दिया हमको, इस तरह का सर्किट बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे सर्किट। एमीटर कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं ना, याद रहना चाहिए। वोल्ट मीटर हम किधर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं, रेजिस्टेंस, तो इसका हम चलो सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, एमीटर हम लगाएंगे सीरीज में, उसके बाद रियोस्टेट पता है हम लोग कैसे लगाते हैं, रियोस्टेट का सिंबल पता है, देखो रियोस्टेट का सिंबल इस तरह से होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इस तरह से हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा वायर और इसमें एक एरो हो जाता है क्योंकि ये ही वेरिएबल वेरी करता है मेरा कंडक्ट। रियोस्टेट पता है क्या होता है, इस तरह का एक ऐसा डिवाइस होता है, सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारा कॉइलिंग रहता है वायर का, यहाँ पे करंट हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं। मान लो अगर हाँ इसको अगर हम मूव करेंगे ना, अगर हम यहाँ से करंट ले रहे हैं और यहाँ से एक मेरा वायर निकल रहा है, तो अगर हम इसको सामने ले आएंगे तो मेरा रेजिस्टेंस घटेगा, दूर ले जाएंगे, मतलब इसी तरह से कनेक्शन मेरा होता है, ठीक है। ओवरऑल जानना था कि रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से शो करते हैं, रेजिस्टेंस को इस तरह शो करते हैं रियोस्टेट को। उसके बाद और क्या क्या अप्लायंस है, वोल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाएंगे ना। उसके बाद और क्या है, सेल है, की को कैसे लगाते, की का सिंबल क्या है, ऐसा होता है ना, या फिर प्लग की, उस तरह से भी हो सकता है ऐसा वाला, ठीक है। तो की लग गया और क्या है, रियोस्टेट हो गया, बैटरी, बैटरी, और इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये प्रॉपर मेरा सर्किट बनेगा। समझ में आया, सर्किट डायग्राम भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, तुम्हारा दे देगा बहुत सारा टूल्स दे देगा और बोलेगा कि इससे हमको सर्किट डायग्राम बनाना है, तो आना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आओ, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो। तो देखो आ गया फिर से डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, आया कि नहीं, डेफिनेशंस करना है, डिफाइन हो जाएगा रेजिस्टिविटी। हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, समझ में आया नहीं, बुझाया जी, रेजिस्टिविटी देखो, आर को हम लोग डिफाइन करते हैं रो एल बाई ए से, तो अगर मेरा लेंथ और एरिया दोनों 1:1 हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी मेरा आर के बराबर नहीं हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन लेंथ एंड एरिया आर बोथ 1 यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 देखो, तो रुक जाओ, हाँ 14 इम्पॉर्टेंट है, ये जो बताए थे ना पावर रिलेटेड क्वेश्चन, कितना हमको पैसा खर्च होगा या कितना अप्लायंस, वो क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कैलकुलेट द
टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इफ द रेट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 6 रुपीज़। रेट ऑफ यूनिट, वन यूनिट को पता है हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिकल यूनिट। हाँ, तो वन यूनिट का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट आवर। मतलब कि अगर 1 किलोवाट का अगर कोई अप्लायंस है, 1000 वाट का कोई अप्लायंस है, उसको अगर 1 घंटा हम लोग यूज़ करते हैं तो 1 किलोवाट आवर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनाओ, तुम लोग अपना देखो उसमें। वन रेट ऑफ आया किसी का? आया आंसर कितना आया? हाँ ना, 2 6 1 6 2 0। हीटर का है केवल? टोटल कॉस्ट हीटर का 900। चलो देखते हैं किस तरह से किया गया है क्वेश्चंस को। इसमें पावर को मल्टीप्लाई करना टाइम से, वो पर डे का होगा। सितंबर में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। हाँ, तो 30 दिन होता है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सितंबर वाले में निकल जाएगा। हाँ ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन देखो इसको घुमा कैसे सकता है। बोल देगा 2020 में निकालो, तो 2020 में कितना दिन होता है? कितना लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, तो इसमें कंफ्यूज कर सकता है कि लीप ईयर का और विदाउट लीप ईयर। तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर क्या है बता दे रहे, रुक जाओ। 1000 × 6 6 किलोवाट आवर पर डे, 6 × 30 180 आ जाएगा किलोवाट आवर, और 180 यूनिट। सेवन कितना होगा? 1080 मेरा आ गया किसका? पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर, यही है। एक मिनट रुको, हम हीटर का निकालें।
इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर इन 10 आवर्स, 10 आवर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हाँ, रेफ्रिजरेटर का ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, 400 वाट। अरे 400 into 10, 4 kilowatt hour into 30, 4 3 120, 120, 180 कैलकुलेटर 0 720 1800 आ रहा है जी। अच्छा क्या टोटल? फाइव, अरे ही गलती हो गया, 5 किलोवाट आवर। ठीक है, 150 किलोवाट आवर इधर से आया, 150 किलोवाट आवर प्लस 120 किलोवाट आवर, 270 इधर से, 270 into 6 कितना होगा? 1620 नहीं समझ में आया तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरा, 5006 हो गया था। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में डिफरेंस हो जाएगा? राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर, क्वेश्चन नंबर 16 है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग वन चार्ज, वन यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, होगा ना? यही इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पावर को क्या होगा? पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब जितना वर्क डन हमको लग रहा है, जितना एनर्जी लग रहा है, एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी पर यूनिट टाइम, मेरा क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। एक डेफिनेशन, एक पॉइंट हम लोग इस तरह से लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा उसको अगर हमको डिफाइन करना, तो हम फार्मूला से, फार्मूला बेस्ड हम कर सकते हैं, फार्मूला के थ्रू हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो दो पॉइंट अगर पूछा है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक दो मेथड और, हम लोग ऐसा यूनिट भी बता सकते हैं। देखो, पहला उसका डेफिनेशन बताना है, दूसरा उसका फॉर्मूला बताना है, और तीसरा ऐसा यूनिट। तीन पॉइंट तो मेरा ऐसे ही बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखो, एक क्वेश्चन नंबर 18 है, वो सर्किट डायग्राम, उसको तुम लोग घर पे बनाना। ठीक है, पीडीएफ है ना तुम लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 18 में जो सर्किट डायग्राम है उसको घर पे बनाना है, लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट अगला पेज में होगा। क्या क्वेश्चन है? इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ दिख रहा है तुम लोग को, वी और आई का ग्राफ है, वी और आई का एक ग्राफ दिख रहा है इस तरह से। अब हमको डिफाइन करना है रेजिस्टेंस इस ग्राफ से, या इसके जगह पे तुमको दो दे देगा इस तरह का वायर, ये तीन लाइन सेगमेंट दे देगा या तीन स्लोप दे देगा। हमको बताना है किसका रेजिस्टेंस हाई होगा या किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, कैसे बताएंगे बताओ? ये आ चुका है, बहुत बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। एक मिनट, ए बी सी, विच वायर हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, किस जो किस वायर किस स्लोप, कौन सा ऐसा स्लोप है जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है इस ग्राफ में? ए क्यों कर रहा है ऐसा? हाँ, उस तरह से भी ठीक है, सही है, ए ही होगा मेरा ज़्यादा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, ए हमारा, ए का स्लोप क्या है सबसे ज़्यादा है ना, स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं टेन थीटा,
छोड़ो, ए का स्लोप सबसे ज़्यादा है ना, ए सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है करंट पे, करंट वाले एक्सिस से मेरा सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा बना रहा है, ए बना रहा है ना, तो जो सबसे ज़्यादा एंगल बनाएगा करंट वाले एक्सिस से उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस तरह से समझना है। हाँ समझो, यहाँ पे एक वा इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, पॉइंट ये होगा कुछ, ये एक दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, मान लो ओ ए बी सी तो हो गया, डी पॉइंट ई और पॉइंट एफ, हमको बताना है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं ना वी बाई आई, इतना तो क्लियर है। तो मतलब जिसका वी बाई आई का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, करेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो इन द सेंस अगर बोला जाए तो आई मेरा कॉन्स्टेंट है, वी जिसका ज़्यादा होगा, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में मेरा टेन थीटा क्या हो जाएगा, या टेन थीटा छोड़ो, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बाई आई का वैल्यू क्या होगा, बड़ा बड़ा नहीं होगा। देखो इसको हम लोग जो स्लोप स्लोप कर रहे हैं ना, इस स्लोप को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, स्लोप ही है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं, या इसका रेशियो देखो ना, पी डी क्या है, बी सी डी ई एफ जी, तो टेन थीटा अगर बोला जाए डी जी बाई जी ओ, डी जी मेरा क्या है, वोल्टेज का एक्सिस है ना, वोल्टेज का एक्सिस डिवाइडेड बाय दिस, तो डी जी बाई जी ओ क्या हो जाएगा, डी जी मेरा वी, वी बाई आई, आई तो मेरा कॉन्स्टेंट है ना, तो मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ वी है, ये वाला इसके लिए मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यू वी है, तो इसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा ए का सबसे ज़्यादा होगा। कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा, जो आई से जितना दूर है उतना याद रखना, सिंपल याद रखना, जो आई से जितना ज़्यादा दूर है उसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जो जितना कम नज़दीक है। अगर इसको ही उल्टा कर दिया जाए, एक क्वेश्चन है तुम लोग का आगे में, यहाँ पे आई कर दिया है, यहाँ पे वी कर दिया, अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए या बी, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आया हुआ है क्वेश्चन, ये हम बता रहे हैं किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बी का ज़्यादा होगा, क्योंकि बी आई से ज़्यादा दूर है, समझ में आया, केवल एक याद रखो, दो याद मत रखो, कन्फ्यूज़न होगा फिर तुमको, आई से जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 बताओ कौन सा रेजिस्टेंस का, कौन सा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हाई होगा, क्यों हाई होगा, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या है, वी ऊपर है ना, वी वाई एक्सिस में, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था, इफ बोथ वायर आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस विच ऑफ द टू मेड ऑफ हायर रेजिस्टिविटी, कौन सा दो, देखो दो वायर जो है ना, जैसे ए और बी का रेजिस्टेंस है, तो इन दो वायर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेंथ और एरिया, ये दोनों सेम है, तो हमको बताना है किसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, उस फिगर को देख के बताओ, और क्यों ज़्यादा होगा उसका एक्सप्लेनेशन देना है, हाँ रेजिस्टिविटी ए का क्यों ज़्यादा होगा, ठीक है ए होगा, तो ए इसमें तुम बेटर रहेगा तुम लोग लिखो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है ना, आर रो एल एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस सबसे पहले बताना कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर, आर ऑफ ए इज़ ग्रेटर बिकॉज ऑफ हायर स्लोप, हायर वी बाई आई लिख देना, सिंपल हायर स्लोप लिखो या हायर वी बाई आई, तो वी बाई आई रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का होगा, तो रेजिस्टेंस ए का ज़्यादा हुआ, अब आर ऑफ ए ज़्यादा हुआ तो आर इज़, उसके बाद लिखना आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सो द रेजिस्टेंस, सो द वायर विच इज़ हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टिविटी, समझ में आया, ये क्वेश्चन कौन सा था, 27 था ना, इसीलिए तुम लोग को आज पीडीएफ थोड़ा जल्दी दे दिए थे, तुम लोग खुद से भी देख के आती ना तो पूछा जा सकता था, तुम लोग पूछती क्वेश्चन फिर, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, तो नीचे करो 33 देखो,
28 क्या है, ड्रॉ ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम। हाँ ये अच्छा, ये भी उसी तरह का है क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है समझने। हाँ इसमें ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जितना भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना समझना थोड़ा सा दिमाग ख़राब होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तुमसे डायरेक्टली क्या करवा रहा है, एक्सपेरिमेंट ही ना करवा रहा है पेपर में, बिना अपैरेटस दिए तुमसे एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, तो ये थोड़ा सा तो दिमाग ख़राब करेगा। हाँ बोलो क्या, 2014 वाला क्वेश्चन था। हाँ इजी, हम लोग का टाइम में इजी क्वेश्चन था, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा अभी। 14 नहीं, उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है 2014। हाँ देखो यहाँ पे समझो, जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है, सबसे पहले क्या गिवन है, ड्रॉ, तुमको पहले सबसे क्वेश्चन में तुमको ड्रॉ करना होगा, ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है ना ये आंसर का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन से तुमको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ ए लेबल सर्किट डायग्राम शोइंग थ्री रजिस्टर R1 R2 R3। तो सबसे पहले थ्री रजिस्टर हमको ड्रॉ करना है, और ये कनेक्टेड है क्या, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मेरा इस तरह से कुछ रहेगा। उसके बाद आगे क्या है, विथ ए रियोस्टेट, नहीं क्या है, सॉरी, कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी ई ए रियोस्टेट RH। तो बैटरी का क्या है, ई है, रियोस्टेट क्या है, RH है ना, तो रियोस्टेट हम इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना रियोस्टेट का। उसके बाद आगे क्या है, रियोस्टेट ए प्लग की, प्लग की हम कहीं पे भी लगा सकते हैं सर्किट में, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ कहीं पे भी लगेगा। और उसके आगे क्या है, एमीटर, एमीटर कहाँ लगाएंगे बताओ, एमीटर ऑब्वियसली सीरीज में लगेगा, यूजिंग स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल, यूज द सर्किट टू सो दैट सम सेम करंट फ्लो। चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, हमको प्रूव करना है कि सेम करंट फ्लो करता है थ्रू ईच रजिस्टर, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू और इसके थ्रू, सेम करंट। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका थ्योरेटिकली इसको नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हर रेजिस्टेंस के पहले एक हम एमीटर लगा देंगे, क्या करेंगे, हर रेजिस्टेंस के पहले एमीटर लगा देंगे, ताकि इससे जितना करंट पास होगा वही ना करंट यहाँ से पास होगा। तीसरा वाले में भी यही करेंगे। अब देखो जो करंट इससे पास होगा सेम करंट यहाँ से जाएगा। इसमें करना क्या है ना, रियोस्टेट का वैल्यू हम हर बार चेंज करेंगे, रियोस्टेट ये तीन अभी कांस्टेंट है ना, मान लो 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है मेरा, इसका वैल्यू ई गिवन है कांस्टेंट, प्लग अगर हम लगाते हैं तो मेरा अगर रियोस्टेट मान लो अगर 0 ओम अगर मेरा रियोस्टेट का वैल्यू है, तो इस तीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 ओम, फिलहाल के लिए समझने के लिए। तो 30 ओम से मेरा जो करंट अभी जो पास कर रहा था, तो ये कुछ वैल्यू गिवन फिक्स रहता, समझ में आ रहा है। तो इसमें लिखना क्या है ये समझो, कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट वेरी लो, जब हम वेरी लो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को कर दिए, तब जो भी मेरा करंट फ्लो कर रहा है ना, हम तीनों एमीटर में रीडिंग नोट करेंगे। ये वही है प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है। तो नहीं भी लगाते, उसका रीज़न हम बता रहे हैं, हम रियोस्टेट क्यों लगाए, अगर नहीं लगाते ना, मान लो इस सिंगल रेजिस्टेंस होता, तो इसमें हम करंट हम चेंज कर सकते हैं, अब चेंज होगा करंट बताओ, रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं, ताकि मेरा करंट जो रहेगा वो चेंज होगा। तो रियोस्टेट लगाने का मेरा एक ही पर्पज़ था, कि हम करंट को चेंज करें, और उसी चेंज करंट को हमको रिकॉर्ड करना है हर अलग अलग बार, समझ में आया। तो रियोस्टेट लगाएं, अब हमको रियोस्टेट का वैल्यू कम है तो कुछ करंट आएगा, तीनों में सेम रहेगा, रियोस्टेट का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं चेंज करते रहते हैं, तो तीन चार रीडिंग लेंगे। और इसमें लिखना है कि वी, मतलब इस तरह से अगर हम लोग कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन लेने पर, तो सारा जितना भी करंट एमीटर के थ्रू सारा सेम हो जाएगा, विच वेरीफाइज दिस दैट करंट इन सीरीज इज ऑलवेज इक्वल थ्रू आउट ऑल द रजिस्टर। ठीक है, नींद आ रहा है, देखो चेंज कैसे करते हैं, देखो रियोस्टेट देखो इस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से एक वायर जो रहता है ना, इससे कनेक्टेड रहता है, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते, मान लो ये वायर से अभी मेरा टच कर रहा है, तो ये वायर से अभी तीन वायर से ही नहीं टच कर रहा है, ऐसे बहुत सारा कॉइल रहता है समझने के लिए, यहाँ तीन वायर से टच कर रहा है, अगर हम इसको उठा के यहाँ से उठा के अगर हम यहाँ पे रख दें, इस वायर से अभी टच करें, तो रेजिस्टेंस बढ़ नहीं गया, वायर का लेंथ बढ़ नहीं गया, नहीं
अभी यहाँ पे कनेक्टेड था जब, तो मेरा जो वायर तीन वायर से टच था, रियोस्टेट का जो तीन वायर से टच था, देखो एक कनेक्शन यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ से, तीन कॉइल से टच था। जैसे हम इसको यहाँ से मूव स्लाइड करके इस जगह पे लाएं तो कितना वायर से टच हुआ, एक दो तीन चार पाँच, पाँचवा वायर का भी है। तो वायर का मेरा लेंथ बढ़ गया ना, लेंथ बढ़ गया तो क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा बढ़ गया वायर का, रियोस्टेट का मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया अगर स्लाइड कर दिया तो, समझ में आया। इसी तरह से हम लोग रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ाओ घटाओ, करंट मेरा हर बार चेंज होगा और करंट हमको ऑब्जर्व करेंगे कि करंट सब में इक्वल रहेगा। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाँ बस टेबल बनाना है और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देना A1, A2, A3। नहीं भी आए तो बता देना कि A1, A2, A3 हर बार चेंज करेंगे रियोस्टेट का वैल्यू तो बराबर होगा। मेरा वेरीफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 33, देखो 33 मेरा तीन सिलेंडर दिया हुआ है। क्या है, तीन सिलेंडर है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फिगर शो थ्री सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर अलोंग विद देयर फेस एरियाज एंड लेंथ, डिस्कस विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। हाई सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, टू वाले में होगा, कैसे होगा, किस में होगा बता, नहीं समझ में आया। इसका लेंथ मेरा एल है, एरिया क्या है ए है, ठीक है। दूसरा का लेंथ है 2L, एक मिनट रुक जाओ, दूसरा का लेंथ है 2L, एरिया है A बाई टू। तीसरा का मेरा लेंथ क्या है, L बाई टू। तीनों में से रेजिस्टेंस, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, सेकंड वाला का होगा, क्योंकि R क्या होता है, R इक्वल्स टू L बाई A, लेंथ 2 टाइम्स हो गया तो ये 2L हो जाएगा, एरिया A बाई टू मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल 4 टाइम्स हो जाएगा, 4R हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। छुट्टी चाहिए, नहीं कंफ्यूजन इसमें भी, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ तीनों का निकालना होगा, नहीं वो नहीं चलेगा, एग्जामिनर को हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। देखो तुम लोग को तो निकालना पड़ा ना, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो वायर का ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसे नहीं ना चलेगा, एग्जामिनर तीनों का तुमको शो करना होगा। एक मार्क्स का रहा, हाँ चल सकता है, लेकिन हाँ एक मार्क्स का रहा तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 43 दिख रहा है, थ्री बल्ब्स ऑफ पावर आर पी आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड थ्री बल्ब्स ऑफ पावर पी, हाँ तीन बल्ब है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तीन बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस होगा क्या, होगा पावर कम जाएगा और क्या डिफरेंस होगा, ग्लो अगर तीनों का पावर अगर सेम रहा तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा, बल्ब वन बल्ब टू बल्ब थ्री, तीनों बल्ब का पावर सेम है अभी फिलहाल, तीनों बल्ब का पावर सेम है। अगर इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं और तीनों बल्ब को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, रुक जाओ दूर हो जाएगा, कब हम बोलेंगे किसी बल्ब को बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, जब उसके अक्रॉस जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। ये हाँ बता, हाँ सब में इक्वल रहेगा, हाँ ठीक है, तो मतलब कि ग्लो सब में इक्वल करना चाहिए, वही ना,
एकदम हाँ ठीक है, हाँ सेम होना चाहिए ना। चलो कन्फ्यूजन दूर करते तुम्हारा। देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म करते हैं। बल्ब का कुछ पावर रेटिंग तुम ही लोग बताओ। 100 रखते हैं, सिंपल ठीक है, समझने में आसानी होगा। ये बताओ 200 वोल्ट, चलो ठीक है। इसका भी सेम रखते हैं 200। देखो काफ़ी कन्फ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा। कैसे, पावर क्या है, पावर ही है, रेजिस्टेंस मत समझ लेना, सब 100 वॉट है। तो रेजिस्टेंस निकालो सीरीज वाले में, क्या हो जाएगा पावर रेटिंग। देखो एक चीज़ और, इसका जो बल्ब दिया है ना तुमको डायरेक्टली ऐसे 100 वॉट नहीं दे देगा, तुमको पावर रेटिंग दिया रहेगा प्रॉपरली। तो पावर रेटिंग है मेरा बल्ब का 100 वॉट, 220 वोल्ट या 200 वोल्ट। चलो 100 वॉट 200 वोल्ट है मेरा पावर रेटिंग, समझ में आ रहा है ना। तो इसका चलो हम ही सॉल्व कर देते हैं। 100 वॉट 200 वोल्ट है इसका पावर रेटिंग, सेम इसका पावर रेटिंग, इसका पावर रेटिंग, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा सबका ठीक है। रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर पी, यही ना होता है, वो नहीं लगाएंगे। देखो पावर समझो हम अभी कर क्या रहे हैं, इस वैल्यू से रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। मेरा अभी अगर हम तुमको बल्ब एक खरीद के लाए मार्केट से, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर रेटिंग मेरा ये दो चीज़ दिया है ना, तो हम इसी दो चीज़ को यूज़ करके हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जो चीज़ कांस्टेंट है, समझ में आया। तो अभी हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखो वी क्या है, वी स्क्वायर 200 स्क्वायर बाई 100, तो एक कितना आएगा 400 वाट आ जाएगा, सॉरी 100 वाट दिया है ना, 400 ओम आ जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब कि सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, अभी 400 ओम है, इसमें भी 400 ओम है, इसमें भी 400, इसमें भी 400, ये वैल्यू याद रखना है। अब देखो करंट क्या हो जाएगा, अब इस केस में अगर हमको करंट निकालना है तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर होगा, यही ना होता है ओम्स लॉ से। वी क्या है 200 वोल्ट और आर क्या है 400 वोल्ट, हटा दो अभी कट, क्या ठुक जा। आई मेरा क्या है, हाफ एम्पेयर आया, आई हाफ एम्पेयर है, इसमें अब हमको निकालना है। देखो आई हाफ एम्पेयर है तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं ना इसमें, तो आर कितना है, एक मिनट रुक जाओ। देखो तीन बल्ब हम बाजार से खरीद के लाएं, फिर से हम बता रहे हैं इजी एकदम, टेक इट इजी। तीन बल्ब लाएं 100-100 वाट का खरीद के, उसको कनेक्ट किए 200 वोल्ट में, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब 100-100 वाट का अगर हम निकालें पावर कॉन्फ़िगरेशन मेरा बल्ब का ये है, तो इससे मेरा जो रेजिस्टेंस हम निकाल लें, तो ईच बल्ब का रेजिस्टेंस 400 हो गया, मतलब कि इसका भी रेजिस्टेंस 400, इसका भी 400, इसका भी 400, सिमिलरली इस तीनों का भी 400 हो गया। अब ओवरऑल हमको देखना है, अब ये तीन को तो हम लगा दिए ना सर्किट में, जैसे हम इसको सर्किट में लगाएं, अब हमको चेक करना है कि इसका इफेक्टिव पावर क्या होगा, क्योंकि इफेक्टिव पावर ही हमको बताता है कि उसका आउटपुट क्या होगा। जैसे ज़्यादा पावर हो गया तो जो मेरा बल्ब होगा वो ज़्यादा इन्हांस करेगा, मतलब ग्लोनेस ज़्यादा आएगा, पावर बढ़ जाने से बल्ब में ग्लो आता है ना। तो अब हमको चेक करना है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये जो तीन वैल्यू दिख रहा है ना ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करने वाला। क्या चेंज करेगा, जब हम फाइनल आउटपुट निकालेंगे वो हमको पावर देखना है। तो इसको अभी भूल जाओ, यहाँ पे सब में 400 लिखो, 400 ओम। अब हम पावर कैसे निकालेंगे इस दोनों में, तो पावर निकालने के लिए देखो क्या क्या गिवन है, आर गिवन है, वी गिवन है। तो सीरीज वालों में निकालने के लिए वी स्क्वायर बाई आर किए, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर किए तो मेरा पावर का 100/3 वॉट आ गया। सीरीज में मेरा पावर कॉम्बिनेशन आफ्टर परचेजिंग बल्ब, सीरीज में मेरा पावर कॉम्बिनेशन आफ्टर परचेजिंग बल्ब आ गया 100/3 वॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम निकाल रहे हैं इस तरह से 400 400 400, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। इस केस में अगर हम पावर आउटपुट निकालें वी स्क्वायर बाय आर से, तो मेरा पावर आउटपुट क्या आ रहा है, 100/3 आ रहा है। एक कंडीशन में आ रहा है मेरा 100/3, मतलब कि इस तरह से लग रहा है इसका पावर आउटपुट 1/3 1/3 घट गया। 100 वॉट खरीद के लाएं लेकिन
इफेक्टिव पावर मेरा क्या आ रहा है, 100/3 आ रहा है, और इस कंडीशन में मेरा पावर आउटपुट देखो इन्हांस हो गया, इन्हांस हुआ ना जी, तो इन्हांस हो रहा है। तो इससे हम क्या सीखने को मिल रहा है कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट होता है वो इन्हांस होता है, और सीरीज़ में इसीलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ये मेरा एक पॉइंट हो सकता है वाई वी प्रेफर कनेक्शन इन पैरेलल ओवर सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ में मेरा पावर घट जाता है, पावर आउटपुट घट जाता है, और पैरेलल में देखो ना बढ़ गया ना। तो ओवरऑल बढ़ने से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी मेरा पावर आउटपुट ईच बल्ब के अक्रॉस होगा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो ग्लो सबसे ज़्यादा होगा पैरेलल में, सीरीज़ में इसीलिए नहीं होगा। समझ में आया?